आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं दोनों नेता। पिछले दो साल से आजम खान जेल में बंद हैं। आजम खान पर करीब 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अखिलेश यादव से आजम खान के समर्थक भी नाराज चल रहे हैं। उनकी ये शिकायत है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल से निकालने की कोई मुहिम नहीं चलाई। बीते दो साल में सिर्फ एक बार आजम खान से अखिलेश यादव की जेल में मुलाकात हुई, और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर शिवपाल सिंह यादव भी आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में आजम खान से शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात आने वाले समय में क्या नई सियासी लकीर खींचेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो शुक्ल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शिवपाल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर इसका सियासी माने कुछ जगह? देखिए, वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम खान या ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित होगा तब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। अब मुझे पता नहीं है, मुझे आज नहीं पता।